आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कंवल आज आप लोगों को सीडी पे डो से पेंटिंग करना बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सॉल्ट विद फ्लावर से डो बनाना बताया था, आज मैं वही डो का इस्तेमाल करूंगी। ग्लास पेंटिंग के सेशन में मैंने आप लोगों को ग्लास पे लैंडस्केप बनाना बताया था, आज भी लैंडस्केप है लेकिन सॉल्ट विद फ्लावर डो से। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सीडी पेंटिंग के लिए हमें सबसे पहले सीडी चाहिए। कोई ओल्ड सीडी घर में मौजूद है आप उस पर पेंटिंग कर सकते हैं। टूथपिक चाहिए हमें, इटालियन डो के टूल चाहिए, एक्रिलिक कलर, स्टैंड चाहिए जिसपे हम सीडी रखेंगे और फ्लावर जो हमने सॉल्ट विद फ्लावर के साथ डो बनाया। वाइट ग्लू चाहिए हमें और एक्रिलिक पेंट चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट विद फ्लावर डो चाहिए हमें। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि सीडी पे एक्रिलिक पेंट से वाइट कलर करना है। आप डो पे कलर मिक्सिंग करके रख दें, मैं आपको बताते रहूँगी कौन कौन से कलर क्या बनाना है हमें। सीडी पे वाइट एक्रिलिक पेंट कर लें तो ग्लू की मदद से हमें ट्री का इफेक्ट देना है विद सॉल्ट डो से। ट्री बनाने के बाद हमें टूथपिक से पिंच करना है, हमें ट्री का इफेक्ट देना है। जो हमने तना बनाया है इसका ट्रंक, उसमें हमें पिंच करना है टूथपिक की हेल्प से। ने ट्री बना लिया है सॉल्ट डो से, आप देख सकते हैं पूरा ट्री का इफेक्ट है। अब हम चेरी ब्लॉसम ट्री बनाएंगे। उसके लिए हमें पिंक डो चाहिए। एक्रिलिक से आप एक्रिलिक कलर, वाटर कलर या फिर ऑयल पेंट से आप पिंक कलर ऐड कर लें और जो हमने फ्लावर लिया है आटा वो थोड़ा सा मिक्स कर दें ताकि हाथ में स्टिकी ना हो। और हमें छोटे छोटे स्मॉल साइज में बॉल बनाना है। पहले ब्रांचेस का इफेक्ट देने के बाद छोटे छोटे पिंक बॉल को हम ब्रांचेस के एंड पे स्टिक करते चले जाएंगे। ग्लू भी साथ में लगाते जाएंगे, वाइट ग्लू, और भी साथ साथ हमें ब्रांचेस के एंड में हमें स्टिक करना है। हमें पूरा कवर करना है इस पिंक बॉल से। ये होल को हमें कवर करना है ब्लैक डो से, इसलिए ग्लू लगाएंगे। इससे पहले हम ऊपर ब्लू डो आउटलाइन लगा लेंगे, हर्ट बनाना है हमें। ब्लैक डो हम ग्लू के साथ लगा देंगे। आउटलाइन बना लें अपनी आसानी के लिए। उसके ऊपर हमने ब्लू डो लगाया है आउटलाइन। अब हमें ग्रास का इफेक्ट देने के लिए ग्रीन डो चाहिए। उससे पहले हम वाइट ग्लू लगाएंगे। ऊपर चेरी ब्लॉसम ट्री है, सेंटर में हर्ट है, फिर रिवर का इफेक्ट देंगे और दोनों साइड पे हम ग्रास देंगे। सबसे पहले हम ग्रीन डो लेकर उसको किसी भी चीज़ से बेल लें और एक फ्लैट कर दें, फिर उसकी कटिंग करके आप ग्लू के ऊपर स्टिक कर दें। जो एक्स्ट्रा बच जाए वो फिर हम कट कर देंगे। अब हम रिवर का इफेक्ट देंगे, ब्लू और वाइट के साथ मिला के हम स्काई ब्लू कलर बनाएंगे एक्रिलिक पेंट से। और फिर हम रिवर का इफेक्ट करेंगे, जो छोटा सा हमारा पोर्शन है हम उसमें ये दोनों कलर आपस में मिक्स करके अप्लाई करेंगे।
क्योंकि हमें रिवर का इफेक्ट देना है। एक्रिलिक वाइट पेंट से हमें वेव का भी इफेक्ट देना होगा। जगह जगह में छोटी छोटी जगह छोड़ के रिवर में हमें छोटा सा स्टोन भी देना है। तो दो स्मॉल साइज में बॉल जो हमने ट्री का कलर बनाया था ब्राउन से, वही सॉल्ट डो से बना के वो लगाना है और स्टिक से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें। हमारी सीडी पेंटिंग विद सॉल्ट डो रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने ग्रीन ग्रास विद फ्लावर्स बीच में लगाए येलो और रेड कलर के, छोटे छोटे स्टोन भी बनाए रिवर के साथ। अपनी कमिंग वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसी सॉल्ट डो से ही बताऊंगी। मुझे उम्मीद है आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।